को याद तो आया कि अनुराग डोभाल भी 17 कंटेस्टेंट में है सर। तो जैसे कि आपने छोटी सी क्लिप देखी होंगी, लेकिन मैं आप सबको पूरी क्लिप दिखाने वाला हूँ, क्योंकि एक बार फिर मुनर भाई को जबरदस्ती का टारगेट किया यूकेश धवन, अचानक भयानक और तहलका भाई ने, और उसी के साथ एक बड़ी बात बोल दी बिग बॉस के बारे में कि बिग बॉस हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, हमारी इंसल्ट कर रहा है, हमको इज्जत नहीं दे रहा है। तो क्या फुल इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको फटाफट दे देता हूँ, लेकिन से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सबके लिए इस तरह की अपडेट लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बता देता कि मुनर भाई को जबरदस्ती का किस्सा से इन्होंने टारगेट किया। तो जैसा कि आप सभी को बता दूं, कल वीकेंड का वार था और वीकेंड के वार के अंदर कंगना तो अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए आती है और खिलाड़ियों के बीच में जैसी जाती है, जैसे उनकी एंट्री होती है, वो सबसे पहले मुनावर से बात करती है और मुनावर को बोलती है कि भाई तेरी शक्ल मुझे डबल दिखी, मैंने सोची नहीं थी। इतनी सी बात यूकेश धवन, अचानक भयानक और तहलका भाई को बुरी लग जाती है और वो अपने कमरे में जाके एक मीटिंग करते और डायरेक्ट बोलते कि भाई जो कंगना आता है डायरेक्ट उनसे बात की, उनको इज्जत दे रही है, हम क्या करने आए यहाँ पर बिग बॉस के अंदर, हम भी तो खेलने आए, हमको इज्जत क्यों नहीं मिली। और उसी के साथ इसी बीच में एक और बड़ी बात बोल देते बिग बॉस के बारे में कि बिग बॉस हमको इज्जत नहीं दे रहा है, बिग बॉस हमारे साथ रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, हमको पहले नंबर पे नहीं ला रहा, और यही बात उन्होंने सलमान खान के सामने बोली। आप सबसे पहले छोटी सी वीडियो देख लीजिए, उसके आगे और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। चलो सर, फाइनली आपको याद तो आया कि अनुराग डोभाल भी 17 कंटेस्टेंट में है सर। यार आप नहीं दिखोगे तो हमको तो आपको ढूंढ के निकालना ही पड़ेगा ना यार। तो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, किस तरह से यूकेश धवन सलमान खान के सामने डायरेक्टली बोल रहे, उन्होंने मीटिंग करते हुए बोला है मतलब आपस में कि बिग बॉस हमको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, मतलब जो टीवी एक्टर है जो मुनर फारूकी है उन्हीं को सामने सामने रख रहा है, उन्हीं का पहले नंबर ला रहा है, और साथ ही साथ ये भी बोला कि हमारे जो परिवार वाले हैं वो बिग बॉस देखने के लिए बैठेंगे तो हमारा नंबर आखिरी पे आता हूँ तो कोई कोई सो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। लेकिन इसी के बीच आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है, जिस तरह सलमान खान ने बोला है कि भाई तुम कुछ करोगे तो दिखोगे और दिखोगे तो हम सबसे पहले तुमको लाएंगे, मतलब डायरेक्टली सलमान खान ने कहने का मतलब यही था। लेकिन इसी पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो तीनों के साथ हो रहा है सही हो रहा है गलत हो रहा है, क्या इन्हीं की गलती है कि बिग बॉस में ये सही से खेल नहीं रहे, आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।